बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज फिर से जो बैंक कर्मचारी है, बैंक अधिकारी है, वो सड़कों पर है और हड़ताल लगातार जो बैंक कर्मचारियों की है वो जारी है। आपको दिखाते हैं कि SBI बैंक के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से जो लगातार है सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। कई दिनों से जो बैंकर्स हैं वो सड़कों पे उतर रहे थे, शांति प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज हड़ताल है। इस हड़ताल का जिम्मेवार कौन है? इस हड़ताल का जिम्मेवार कौन है? प्राइवेटाइजेशन बंद करो, प्राइवेटाइजेशन बंद करो, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नारे लग रहे हैं, निजीकरण को लेकर लगातार नारे लग रहे हैं, निजीकरण के खिलाफ है बैंक कर्मचारी, उनसे पूछेंगे निजीकरण के खिलाफ है। आज दूसरे दिन की हड़ताल है, क्या आपको कोई आश्वासन अभी तक सरकार से मिला है? नहीं, अभी तक हमें सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये सरकार इस मामले में बहुत ढीठ है और हम अपनी मांगों से, अपनी जायज और अहिंसावादी तरीके की मांगों से सरकार को हम झुका कर रहेंगे। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी सड़कों पे हैं और बहुत अच्छी एक भी शाखा पूरे देश में नहीं खुली है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस हड़ताल के बाद सरकार के ऊपर इसका असर दिखाई देगा। अभी दो दिन की आपकी हड़ताल की देशव्यापी हड़ताल है, क्या आगे भी ये हड़ताल जारी रहेगी? हाँ, इस हड़ताल के बाद अगर सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला तो हम फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, अपनी मीटिंग बुलाएंगे UFBU की और इस संघर्ष को जारी रखेंगे 2 दिन 4 दिन और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हम करेंगे। किसान बिल एक सरकार लेके आई थी, किसान उसके खिलाफ एक साल तक जो है सड़कों पर बैठे रहे, क्या बैंक कर्मचारी भी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश की सभी शाखाएं बंद हैं और 100% अगर ये प्राइवेटाइजेशन का बिल अगर वापस नहीं होगा तो बैंक कर्मचारी भी किसानों की तरह सड़क पे बैठेंगे और इस सरकार को झुका कर रहेंगे। क्या आपको लगता नहीं है कि जनता को इससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, जनता के लिए हम जनता को बताना चाहते हैं कि ये बिल जो है ये प्राइवेटाइजेशन हमारे अपने लिए नहीं है, ये जनता के पैसे की लड़ाई है, जनता के बच्चों की नौकरियों की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है। तो जनता हमारा साथ देगी, हम जनता को अपने साथ ले रहे हैं। हमारे साथ किसान एकता वाले यूनियन वाले भी लोग हैं, हमारे साथ CTU वाले भी हैं, हमें हर तरफ से समर्थन मिल रहा है और हम 100% उम्मीद करते हैं कि अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो हम उतरेंगे। इस प्राइवेटाइजेशन के बिल को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे और हम इसको वापस करा के रहेंगे, प्राइवेटाइजेशन लागू नहीं होने देंगे। चलिए, प्राइवेटाइजेशन लागू नहीं होने देंगे ये कहना है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देश का समूचा मजदूर आंदोलन, तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन, केंद्र राज्य कर्मचारी, तमाम संगठन आज बैंकों की सफल हड़ताल के साथ है, क्योंकि बैंकों की हड़ताल कोई अपनी मांगों के लिए नहीं है, वो पूरे देश की बैंकिंग इंडस्ट्री को बचाने की है, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। ये बैंक कर्मचारियों का संघर्ष, अधिकारियों का संघर्ष देश हित में, जनहित में है, क्योंकि आम आदमी सरकारी बैंकों से लोन लेता है, उन्हीं से सहायता प्राप्त कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे कारोबारी है। अगर ये बैंकिंग इंडस्ट्री बर्बाद होगी तो देश की टोटल इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए पूरे देश की तमाम ट्रेड ने C2, ATAC, INTAC, HMS, AIUTC, TUCC, AICCTU और केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी सभी इस बात को समझ रही है। आज मोनेटाइजेशन के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ये दोस्त को बेचने की नीति नहीं चलेगी। आज चाय बेचने वाला रेल बेचने पे उतर रहा है, वो कोयला खदान बेच रहा है, वो बैंक बेच रहा है, वो बीमा बेच रहा है। ये देश किसी मोदी का जागीर नहीं है, ये देश जनता का है, लोगों का है, और जितना भी पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ है वो जनता के पैसे से, खून पसीने से खड़ा हुआ है। इसलिए देश बेचने की इजाजत हम इस सरकार को नहीं देंगे और ये संघर्ष पूरे देश में जाएगा।
किया। मैं बैंक कर्मचारियों को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूँ, पूरे देश में पैदल यात्रा चलाते हुए इस पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत में बहुत देश भर से बैंकों के लाखों कर्मचारियों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया और आज पूरे देश के 1,00,000 से ज्यादा बैंक हड़ताल पे है, 9,00,000 कर्मचारी अधिकारी एक मुश्त हड़ताल पे है और काम का कितना बोझ बढ़ रहा है, भर्तियां हो नहीं रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, युवा सड़कों पे, इसलिए ये लड़ाई सबकी लड़ाई को अकेले बैंक कर्मचारी की नहीं है और इसलिए हम इनके साथ है पूरे तौर पर और इस लड़ाई को जैसे किसान जीता है ऐसे कर्मचारी भी इस लड़ाई को जीतेंगे जीतेंगे। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं ये हम बैंक कर्मचारियों के हित में हथियार नहीं है, ये आम जनता की भलाई के लिए है क्योंकि आम जनता का पैसा प्राइवेट बैंकों में सुरक्षित नहीं है। विश्व भर में 2500 से ज़्यादा बैंक फेल हो चुके हैं, अभी भारत का एग्जांपल ले लीजिए आप, यस बैंक फेल हुआ था, स्टेट बैंक ने उसको जो है बेल आउट किया था, कैपिटल दी थी, अगर आम जनता का पैसा उसमें कैसे सुरक्षित रह सकता है। दूसरा, रोजगार का हनन होगा, जो हमारे सरकारी बैंकों में एक प्रक्रिया है IBPS की वो ख़त्म हो जाएगी, जो प्राइवेट बैंक वाले वो अपने बच्चों को भाई भतीजा बाद वहाँ बढ़ावा देगा। तो दूसरी बात यह है कि लास्ट बात, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनको हम लागू करते हैं, उनका सारा इम्प्लीमेंटेशन हमारे नोटबंदी हमने कामयाब करी, अभी जो भी जिला उद्योग केंद्र की ऋण स्कीमें हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसमें सरकारी बैंकों का योगदान है, प्राइवेट बैंक उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते, और जो नए एंटरप्रेन्योर हैं नए उद्यमी हैं उनको प्राइवेट बैंक नहीं फायदा देते, कोई लोन स्कीम में फायदा नहीं देते। तो हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये हाँ आम जनता के हित में हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें फायदा नहीं है, हम तो 2 दिन की हड़ताल में अपनी सैलरी कटवाएंगे, तो ये हम आपके माध्यम से सूचना देना चाहते हैं। प्राइवेट में कुछ सेफ्टी नहीं है, हमारे बैंकों में लोन वगैरह सब कुछ सब सेफ है, सब कुछ सेफ है, प्राइवेट बैंक में कुछ भी सेफ्टी नहीं है, इवन तक हमारी सिक्योरिटी भी हमारी नौकरी भी सेफ नहीं है। चलिए पहले किसान और उसके बाद अब बैंक कर्मचारी बैंक अधिकारी जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, 2 दिनों की हड़ताल की यहाँ पे घोषणा की गई थी लेकिन अब बैंक कर्मचारी और अधिकारियों का कहना है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी इसको लेकर जा सकते हैं और किसानों की तरह ही सड़कों पर उतरने के लिए वो विवश हो सकते हैं अगर सरकार ये बिल वापस अपना नहीं लेती है। कैमरामैन मोनू के साथ दीपिका सेन, वाल गरिमा टाइम्स।